दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय हेवन यूनिसेक्स सैलून कुल्लू। गुम्मा से शिव भोलेनाथ मंदिर से भूपेंद्र कुमार व पवन कुमार की अगुवाई में 6 सदस्यीय कांवड़ियों का दल हरिद्वार के लिए 2 जुलाई को रवाना हुआ था, जो कि आज गुम्मा पहुंचा। इसमें गुम्मा के पवन कुमार व संतोष कुमार ने 870 किलोमीटर 26 दिन की यात्रा गोमुख से नीलकंठ होते हुए तय की है। वह अन्य 470 किलोमीटर 14 दिन की यात्रा तय कर गुम्मा पहुंचे। वहीं गुम्मा पहुंचने से पहले इन कांवड़ियों का स्वागत द्रंग, पाली, कुन्नू, नारला, पद्धर, ग्वाली और अंतिम पड़ाव उर्ला के हियुन गांव में किया गया। कांवड़ियों के पहुंचते ही शिव मंदिर गुम्मा जय भोले के जयकारों से गूंज उठा। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आज शिव भोलेनाथ ही यहीं पहुंच चुके हों। वहीं भूपेंद्र कुमार, जो कि HRTC के चालक भी रह चुके हैं, वह अभी हाल में ही पिछले वर्ष सेवानिवृत्त हुए हैं। उनका कहना है कि वह पिछले 15 साल से यह यात्रा लगातार करते आ रहे हैं। वहीं प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पद्धर में नियुक्त अधीक्षक पवन कुमार भी 56 वर्ष की उम्र के बाद भी 9 वर्षों से इस कांवड़ यात्रा में लगातार जा रहे हैं। का नाम संतोष शर्मा। कहाँ से? गुम्मा से। आपकी ये कितनी यात्रा थी? 7वीं कांवड़ यात्रा थी मेरी, गोमुख से। अच्छा, तो कैसा रहा ये आपका बहुत यात्रा? बहुत अच्छी, भोलेनाथ की कृपा से बहुत ही शांति। क्या आनंद में आगे भी ये जारी रखेंगे आपकी यात्रा? जब तक सांस है तब तक चलती रहेगी। भूपेंद्र जी, आपको कितने वर्ष हो गए ये कांवड़ यात्रा करते हुए? ये 15 वर्ष हो गए मेरे को। 15 वर्ष हो गए आपको। कैसा ये अनुभव रहता है कि क्या आप मतलब ऐसे खुशी से जाते हैं या क्या? खुशी से जी। अच्छा, तो क्या आपको कोई कष्ट होता है कैसे? कोई कष्ट मामले हो जाता है, कोई बात नहीं उसकी। लेकिन क्या आगे भी आप इस यात्रा को जारी रखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जब तक अपनी टांगे ठीक रहेगी तब तक हम चले रहेंगे। जब तक जान है तब तक जान है। आप कहाँ से? मैं गुम्मा से। क्या नाम है आपका? मेरा शुभ है इमराज सिंह। आपने भी कितनी बार यात्रा की? आप बस मैंने पहली बार यात्रा की। क्या आप इस यात्रा को जारी रखेंगे अगली बार? बहुत दिनों से ही मतलब विचार की जो है शिव भोले का जो है गंगा जल लाइन पूरी सभा चलो जिज्ञासा पूर्ण होगी, भोले की कृपा रही तो इस बार यात्रा सफल होगी। पवन कुमार जी, आपका ये जो कांवड़ियों का जो दल आया, ये कैसा अनुभव रहा? क्या आपने मतलब कैसा अनुभव किया आपने? बहुत ही सुंदर अनुभव रहा। यात्रा बहुत ही विस्मयकारी और रोमांच भरी रही। इसमें भोलेनाथ का पूरा आशीर्वाद रहा। बरखा से भी रात रही, बादल छाए रहे, अच्छा रहा। और कितने वर्षों से आप ये? मैं पिछले 8 वर्षों से लगातार यात्रा में। आपके कितने ये सदस्य थे साथ में जो यहाँ गुम्मा से आए हुए? मेरे अलावा 5 और थे, 6 सदस्य थे। ये कौन कौन थे? इसमें थे वरिष्ठ में हमारे भूपेंद्र जी, जो हाल ही में रिटायर हुए हैं हिमाचल पत्थर निगम से, बाबा फतेह सिंह जी और संतोष कुमार जी और मैं, और एक नए था बोला अपना भाई शिव कुमार, और एक अन्य थे उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो हम कुल 5 थे। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए पद्धर से नवीन निश्चल शर्मा की रिपोर्ट। भागदौड़ भरी इस जिंदगी में कौन खूबसूरत नहीं दिखना चाहेगा? आपकी खूबसूरती और युवा दिखने की चाहत को बरकरार रखने के लिए अब हेवन यूनिसेक्स सैलून ग्रुप आपके अपने शहर सोलन और कुल्लू में। अत्याधुनिक उपकरणों व ब्रांडेड सौंदर्य प्रसाधनों से लवरेज हेवन यूनिसेक्स सैलून ग्रुप तेजी से उभरता वो नाम है जो बेहतरीन सर्विसेज और गुणवत्ता के लिए एक अलग पहचान बना रहा है। हेवन्स ग्रुप के प्रबंध निदेशक जितेंद्र ठाकुर बताते हैं कि हमारे यहाँ ब्राइडल, ग्रूम्स, मेकअप के साथ साथ हेयर कट, ट्रिमिंग, शेविंग, हेयर स्पा, फेशियल, वैक्सिंग, ब्लीच व हर तरह का क्लीनअप इत्यादि सभी प्रकार के सौंदर्य ट्रीटमेंट किए जाते हैं। तो जवान जवान दिखने के लिए आज ही चले आइए अपने नजदीकी हेवन यूनिसेक्स सैलून।